उधर बात से बड़ी खबर, जहां पर दूसरे चरण के मतदान के लिए डिस्पैच सेंटर में जुटने लगे हैं मतदान कर्मी। बरवाडा स्थित कृषि बाजार समिति ने बनाया गया है डिस्पैच सेंटर। सुदूर क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को बूथों पर भेजने के लिए रिंग बस की व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजे जाएंगे मतदान कर्मी। कृषि बाजार समिति में ही बनाया गया है स्ट्रांग रूम और वही होगी मतों की गिनती, यानी कि 23 की मतगणना। तो डिस्पैच सेंटर में अब मतदान कर्मी जुटने लगे हैं। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को बूथों पर रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर प्रशासन दिख रही है। कल जैसे ही शाम 5 बजे चुनावी भोपू का शोर थमा, प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गई। चुनावी प्रचार प्रसार कल थम गया और चुनावी जो रैलियां थी, सभाएं थी और जो रथ था उसके पहिए पर ब्रेक लगा और इधर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखी। प्रशासन ने भी प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारियां साझा की, तैयारियों को लेकर के भी बताया कि किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां हैं, कितनी अलर्ट मोड पर प्रशासन है। और अब जो है डिस्पैच सेंटर पर मतदान कर्मी जुटने लगे हैं, मतदान कर्मियों को बूथों पर रवाना किया जा रहा है, पूरी पुख्ता तैयारी की गई है। ईवीएम मशीन को लेकर के काफी प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन जो है वो काफी मुस्तैद दिख रही है। 23 को जो बात अगर धनबाद की करें तो कृषि बाजार समिति में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और मतों की गिनती भी वहीं पर होगी। इसको लेकर के लगातार जो है प्रशासन की तैयारियां भी देखने को मिल रही है। प्रशासन फ्लैग मार्च कर रही है और इसको बता दें आपको कि प्रशासन की जो तैयारी है वो अब जो है पूरे तरीके से पूरी हो चुकी है, क्योंकि कल 20 नवम्बर झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है, दूसरे चरण। इस बार जो है झारखंड में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। 13 नवम्बर को पहले चरण का मतदान था, उसके बाद दूसरे चरण की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई, जो सभाएं जो रैलियां हुई वो दूसरे चरण के लिए हुई और कल यानी कि बीते कल 18 नवंबर को उसका भी शोर थम गया। और अब जो है सिर्फ आज की बात अगर की जाए तो आज जो पार्टियां हैं वो डोर टू डोर, जो नेता है, जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकेंगे। लेकिन बात हम प्रशासन की कर रहे हैं जहां पर दूसरे चरण के मतदान के लिए डिस्पैच सेंटर में जुटने लगे हैं मतदान कर्मी। बरवाडा स्थित कृषि बाजार समिति में बनाया गया है डिस्पैच सेंटर और सुदूर क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को बूथों पर भेजने के लिए रिंग बस की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजे जाएंगे मतदान कर्मी। जी हां, मतदान कर्मियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ बूथों पर रवाना किया जा रहा है। धनबाद से ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण के मतदान के लिए डिस्पैच सेंटर में जुटने लगे मतदान कर्मी। बरवाडा स्थित कृषि बाजार समिति में बनाया गया है डिस्पैच सेंटर, सुदूर क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को बूथों पर भेजने के लिए रिंग बस की व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजे जाएंगे मतदान कर्मी। और कैसे चल रही है प्रशासन की तैयारियां, क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिस्पैच सेंटर पर मतदान कर्मी जो हैं वो जुटने लगे हैं। तो इसको लेकर के धनबाद से ही हमारे सहयोगी साक्षी और अंकिता जुड़ी हुई हैं। पहले साक्षी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे क्या तैयारी जो है प्रशासन की देखने को मिल रही है। कृषि बाजार समिति में स्ट्रांग रूम भी बनाया गया। जी साक्षी, प्रशासन की तैयारी की क्या तस्वीर है? जी साक्षी, साक्षी सुन पा रही हैं आप? जी सब। साक्षी देखिए, दूसरे चरण के मतदान को लेकर के जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, प्रशासन आज बहुत अलर्ट मोड पर है, डिस्पैच सेंटर में मतदान कर्मी जुटने लगे हैं, तो फिलहाल वहां की क्या तस्वीर है? जी सभा, देखिए बिल्कुल हम धनबाद के कृषि बाजार में इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि धनबाद सहित 6 विधानसभा में कल मतदान होने हैं। और आपको जानकारी दे दें कि यहां फिलहाल 3 विधानसभा के लिए जो डिस्पैच सेंटर है और स्ट्रांग रूम है वो बनाया गया है। और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम मतदान कर्मी जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहां से रवाना किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा कर्मियों की तो सीआरपीएफ के और बीएसएफ के जो जवान है वो भी यहां पे साथ में रवाना हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनको ईवीएम जो है वो दे दिया गया है।
है और जीपीएस ट्रैकर जो है वो इस बार लगाया गया है साथ में। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि जो डीसी माधवी मिश्रा है वो भी यहाँ पे मौजूद है, एसएसपी एचपी जनार्दनन जो है वो भी मौजूद है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका जायजा लिया जा रहा है। सहयोगी अंकिता भी हमारे साथ बनी हुई है। अंकिता देखिए, कल विधानसभा चुनाव जो है वो 38 सीटों पर है और यहां से जो है रवानगी आज मतदान कर्मियों की हो रही है। अगर हम धनबाद सहित 6 विधानसभा की बात करें, 3 विधानसभा के लिए आज यहां से मतदान कर्मी जो है रवाना हुए। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो एक महापर्व है लोकतंत्र का, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए बिल्कुल साक्षी, 20 नवंबर यानी कि कल का जो दिन है वो बेहद ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक तरफ विधानसभा चुनाव में सभी अपने मत का प्रयोग करने जा रहे थे, दूसरी तरफ अगर हम तैयारियों की बात करें तो फिलहाल हम कृषि बाजार समिति के पास मौजूद हैं और यहां जो आपने जो तस्वीरें दिखाई ये साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां जो है लगातार अपने स्तर से जारी हैं। हमने तमाम देखा है कि एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं है क्योंकि 2 चरणों में इस बार चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि धनबाद में जिस तरीके से शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ था वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ थी और वो एक मील का जो पत्थर जो साबित हुआ उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती देते हुए इस बार भी कहा जाए उम्मीद है और इस बार जो खासतौर पर देखा जा सकता है प्रशासन तैयारी से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से प्रशासन ने इस बार पैनी नजर रखी है। पूरी जीपीएस आपने जानकारी दी कि जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पे प्रशासनिक तैयारियां अपने स्तर से युद्ध स्तर से जारी है ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। फिलहाल जिस जगह पे हम मौजूद है वहां पे तीन जगहों का डिस्पैच सेंटर बनाया गया है जहां से अभी तमाम मतदान कर्मी जो है वो अपने ईवीएम को लेकर अपने बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है और इसके पहले भी हमने देखा है स्वीप अभियान के तहत हो चाहे वो तमाम बातों को देखते हुए जागरूकता अभियान भी चलाया गया ताकि सभी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए नजर आए। वही और देखिए तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है तमाम बड़े बड़े अधिकारी जो भी है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है और नजर जो है वो बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो और सभी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने बूथों पर जरूर पहुंचे। देखिए तमाम जानकारी आप दर्शकों को दे तो यहाँ पे देखिए सिंधरी विधानसभा का जो डिस्पैच सेंटर है वो बनाया गया, उस तरफ टुंडी का आप देख सकते हैं कि टुंडी का जो डिस्पैच सेंटर है वो बनाया गया है और पीछे की तरफ अगर आपको बताएं तो बागमारा का इस बार डिस्पैच सेंटर बनाया गया। तमाम मतदान कर्मी जो है वो रवाना हो रहे हैं। अंकिता देखिए अगर हम बात करें बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जिला प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करना क्योंकि देखिए सवाल हमेशा खड़े होते हैं चाहे हम ईवीएम की बात करें चाहे कितनी ही सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ईवीएम को ले जाया जाए वापस स्ट्रांग रूम में लाया जाए लेकिन हमेशा देखिए अभी जब मेरी बात हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि कितना ही सुरक्षा व्यवस्था क्यों ना रखा जाए लेकिन सवाल हमेशा खड़े हो जाते हैं। इस बार हमने देखा कि कुछ व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, जीपीएस ट्रैकर रखा गया है, अगर बीच में कहीं भी गाड़ियां रुकती हैं तो वो तुरंत यहां पे खबर मिल जाएगी और नजर रखा जाएगा। एक जो लिंक 2 लोग के बीच में जो 4-4 सुरक्षाकर्मी एक गाड़ी में भेजे जा रहे हैं दोनों के बीच में जो लिंक है उसके लिए एक अलग से गाड़ी वैन जो है वो भेजी जा रही है। तो अगर हम बात करें तो लगातार जो जिला प्रशासन है वो तो प्रयासरत रहता ही है, वो तो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर सजग रहता ही है और हमेशा अगर हम बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो पुख्ता किए ही जाती है। देखिए बिल्कुल, और धनबाद की जब बात होती है साक्षी तो अक्सर क्राइम की ज्यादा ग्राफ निकल के सामने आते हैं, परसेंटेज जो है वो धनबाद में ज्यादा निकल के सामने आता है, कभी भी गोलीबारी की घटना निकल कर सामने आती है और खासतौर पर झरिया बेहद ही महत्वपूर्ण विधानसभा जहां पे रन तो काफी ज्यादा दिलचस्प है ही लेकिन बड़ी चुनौती भी है एक तरफ से क्योंकि झरिया में कभी भी हो सकता है कि कोई बड़ी चूक हो सकती है, कोई गतिविधि बढ़ सकती है लेकिन झरिया में अगर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया तो समझिए कि पूरे जगह पे शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। और साफ तौर पर कहा जाए और आपने कहा कि प्रशासन तैयारियों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, चुनौतियां इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि जो लगातार जो अपराध की जो घटनाएं सामने आती हैं और उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो तमाम राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ जाती है, यहां के जो आमजन है उनके ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है, वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा में नजर आते हैं, आक्रोशित नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 चरण में चुनाव कराना चुनाव आयोग ने भी एक बड़ी चुनौती ली है लेकिन 13 नवंबर को देखिए एक खुशखबरी थी झारखंड के लिए कि जहां पे बूढ़ा पहाड़ जैसे जो क्षेत्र है वहां पे असंभव था वोट कराना लेकिन वहां पे भी एक भारी प्रतिशत में जो परसेंटेज हमारे पास सामने आए हैं वो भारी प्रतिशत में वहां पे मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सफलता है, प्रशासन के लिए सफलता है, चुनाव आयोग के लिए सफलता है, जनता के लिए भी एक सफलता है कि सभी ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है और इस बार धनबाद में भी कहीं ना कहीं वो एक चुनौती जरूर है लेकिन उस चुनौती को पूरा करने के लिए भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं, गाड़ियों में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो तमाम बूथों पर। बिल्कुल, बूढ़ा पहाड़ की आपने बात की अंकिता, बहुत सालों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत
सीआरपीएफ के जवानों ने वहां पर जान गंवाई, लेकिन आखिरकार वो सुखद दिन आया जब लोगों ने वहां बढ़ चढ़कर मतदान किया। हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ बने हुए। राहुल, अगर बात करें तो 6 विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ पूरी हम जानकारी आपके पास, क्योंकि आप लंबे अरसे देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान कर्मी है उनकी आज रवानगी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, 3 डिस्पैच सेंटर आज यहां से बनाया गया जहां से मतदान कर्मी रवाना हो रहे, लेकिन जो 6 के 6 विधानसभा है सब के जो ईवीएम है वो यहीं पे लाए जाएंगे, तो क्या कुछ पूरी हम जानकारी। जी साक्षी, मैं बता दूं कि पिछले 1 महीने से जो धनबाद जिला प्रशासन इस दिन के लिए तैयारी कर रहा था, धनबाद में 3 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। एक जो है आपको धनबाद पॉलिटेक्निक, जहां से धनबाद विधानसभा और झरिया विधानसभा के लिए ईवीएम डिस्पैच किया जा रहा है। दूसरी हम बात करें, सबसे बड़ा जो है यहाँ कृषि बाजार में बनाया गया, जहां से 3 विधानसभा जो टुंडी हो गया, सिंदरी और बागमारा के लिए डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। वहीं निरसा के लिए निरसा पॉलिटेक्निक बनाया गया। मैं बता दूं इसमें जो है कुल जो मतदाता है इसमें 11,186 मतदाता जो मतदान कर्मी जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और उसके बाद जो है ये सारा ईवीएम वापस जो है कल चुनाव के बाद जो है इसको स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहीं वापस लाया जाएगा। तो इसको काफी लगातार तैयारियां की जा रही थी जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। काफी व्यवस्थित तरीके से आप देख रहे तैयारियां पूर्ण हुई है, मतदान कर्मी आ रहे हैं लगातार और ईवीएम जो है अपने साथ लेकर के बसों से अपने बूथ की ओर रवाना हो रहे हैं। धनबाद में मैं बात करूं तो 2372 बूथ बनाए गए हैं जहां पे कल जो है मतदान सुबह से होना है और ठीक 5 बजे जो है उसके बाद मतदान कर्मी जो ईवीएम लेकर के वो सुरक्षित यहां तक आए, इसके लिए जो है जिला प्रशासन ने 102 कंपनी जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की है। और वही 28 QRT बनाए गए हैं, 3 लेयर में जो है मॉनिटरिंग की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। तो मैं कुल मिलाकर कहा जाए तो जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है, ताकि निष्पक्ष और निर्भीक होकर के मतदाता मतदान कर सके और मतदान जो है वो पारदर्शी तरीके से हो सके। जी संजय, आपसे और अहम जानकारी लेंगे, कुछ मतदान कर्मी भी यहाँ मौजूद है, एक बार उनसे भी सभा आपकी बात कराते रूबरू कराते। किस विधानसभा के लिए आप निकल रहे हैं? सिंधी विधानसभा। क्या क्या सामग्री इस बार आप लोगों को दी गई है? हमारा प्रजेंटिंग गया सामान उमान लाने के लिए, हम P3 है। कितने देर तक, कितने बजे तक आप लोगों को वहाँ पहुँचना है? हम लोग जैसे खत्म हो जाएगा सामान आएंगे हम लोग गाड़ी में जाकर बैठेंगे। सुरक्षा कर्मी कितने लोग आप लोग के साथ मौजूद? तो पीठासीन पदाधिकारी, पीठासीन जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे। तो आप भी सिंदरी के लिए रवाना? सिंदरी के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या क्या सामग्री इस बार आप लोग? सामग्री जो है एकदम सारा व्यवस्था बहुत अच्छा किए हुए हैं, नाश्ता से लेके आपका ईवीएम जो है और आपका साथ में जो है आपका सुरक्षा कर्मी भी है, बहुत ही अच्छा सारा व्यवस्था है। इस बार GPS ट्रैकर वगैरह भी जो है ईवीएम में सुरक्षा की व्यवस्था को देखते? जी 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 जी, प्रत्येक बूथ में आपका CCTV कैमरा लगाया गया है। गाइडलाइंस और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि सुबह आप लोगों को 5 बजे तक वहां पहुंच के मॉक ड्रिल पहले करवाना रहता है, फिर 7 बजे से मतदान शुरू? जी 7 बजे से मतदान शुरू। उसके भी दिशा निर्देश? सारा का सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और भी देखिए, सभा तस्वीरों में दिखा कि सुरक्षा कर्मी भी जो है वो बड़े पैमाने पे यहाँ मौजूद हैं, और एक अगर मतदान कर्मी जो है एक बस में वो लोग रवाना होंगे तो उनके साथ सुरक्षा कर्मी जो है वो बहुत सारे मौजूद रहेंगे। तो सब लोग जो तैयारी जो है वो लगभग कर ली गई है, बहुत से विधानसभा के लिए निकल भी चुके हैं। आप कौन से विधानसभा के लिए निकल रहे हैं? हम निकल रहे हैं तो अब चांची में टुंडी विधानसभा के लिए। चांची में टुंडी, तो बूथ संख्या वगैरह भी? हाँ हाँ, बूथ संख्या 211 बूथ संख्या। तो क्या क्या अहम दिशा निर्देश दिए? हम लोगों को सामग्री प्रदान कर दी गई है मतदान से संबंधित, अभी फिर हम लोग अपना बस पकड़ेंगे, निर्धारित बस के द्वारा हम लोग अपने मतदान स्थल तक पहुँच जाएंगे। फिर कल जो भी कार्यक्रम है 5:30 बजे मॉक पोल कराना है, उसके बाद 7 बजे से रियल पोल होगा। मॉक पोल में क्या कुछ, थोड़ी उसकी जानकारी अगर आप मुझे दे पाए तो, मॉक पोल में क्या कुछ मतलब किया जाता है? मॉक पोल के लिए सबसे पहले हम ईवीएम को रेडी करेंगे, टोटल बटन दबा के देख लेंगे, यदि 0 करता है तो फिर हम मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे, और कम से कम एटलीस्ट 50 मॉक पोल करेंगे। 50 मॉक पोल करने पड़े? हाँ हाँ, 50। मान लीजिए 0 नहीं वहाँ दिखाया तो चांसेस होते कुछ और? तो फिर CRC के माध्यम से पहले मशीन को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम मॉक पोल शुरू करेंगे। 50 मॉक पोल करने के बाद फिर क्लोज रिजल्ट क्लियर प्रक्रिया के द्वारा मॉक पोल को हटा लेंगे, फिर अपना सीलिंग प्रक्रिया जो है कंट्रोल यूनिट को सील करने की प्रक्रिया, फिर वीवीपैट से हम पेपर स्लिप निकाल लेंगे, काला लिफाफा में डाल देंगे, उसके बाद एक्चुअल पोल के लिए मेरा मशीन तैयार हो जाएगा। फिर दिन भर पोलिंग शुरू हो जाएगा, फिर दिन भर मतदान चलेगा। इस बीच में हम प्रेजाइडिंग है अपना कार्य करेंगे, मैंने कागज संबंधी कार्य
जो भी होगा पेपर संबंधित वर्क। अच्छा, कुछ मतदान कर्मी जब आप लोग जाते तो कुछ मतदाता होते जिनका नाम नहीं लिस्ट में मिलता है, तो उसके लिए भी क्या कुछ अलग व्यवस्थाएं वहाँ की गई रहती है? लिस्ट में नाम नहीं है तो उसके लिए फिर है व्यवस्था तो है, लेकिन लिस्ट में अधिकांश लोग का नाम होता है, उससे रेयर कुछ रेयर केस का भी कवर है। बिल्कुल, आप भी टोप चाची के लिए जी? टुंडी के लिए हम भी। एक और मुझे जानकारी लेनी थी कि ये खत्म पोलिंग जो होती है वो 5 बजे एकदम एग्जैक्ट खत्म हो जाती है? हाँ, यदि फिर मतदाता मेरा कतार में रहता है तो फिर उसको मत दिला के हम खत्म करेंगे। जब पूरा मतदाता अपना वोटिंग कर दे उसके बाद से आप लोग खत्म? उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद पहला काम करना है क्लोज बटन को दबा देना, क्लोज बटन को दबा देना है। उसके बाद सीलिंग उलिंग अपना कम्प्लीट करके फिर वही निर्धारित बस रूट के द्वारा कृषि बाजार समिति यहीं ला करके हम लोग सुरक्षा कर्मी आपके साथ वापस। हाँ, वही सब लोग, सब तो अलग। देखिए सभा, हमने कोशिश की कि हम सारी जानकारी जो है वो दर्शकों को दे सके कि सुबह जो है पहले 1 घंटे जो है वो मॉक पोल कराया जाता है, उसके बाद से अगर बात करें तो 7 बजे जो पोलिंग है वो शुरू कर दी जाती है, और उसके बाद से अगर मतदाता बचे हुए हैं तो 5 बजे के बाद से कोशिश ये की जाती है कि जितने भी मतदाता बचे हैं उन सबसे मतदान करवा लिया जाए। उसके बाद से जो फाइनल बटन है उसे दबाया जाता है, उसके बाद से यही स्ट्रांग रूम में आके सभी ईवीएम जो है वो यहाँ पे लाए जाएंगे, और यहीं पे जो 6 के 6 विधानसभा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि 3 विधानसभा के लिए रवानगी यहाँ से हो रही है लेकिन वापसी जो होगी वो सारे 6 विधानसभा के लिए यहाँ पे ही होगी। और आप सुरक्षा के अगर पुख्ता इंतजाम देखें तो आप देख सकते हैं कि एसएसपी सर भी, सर लाइव में थोड़ा आ जाइए, एसएसपी एचपी जनार्दन भी मौजूद है और डीसी माधवी मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था जो है इस बार किए गए हैं। कल सर धनबाद सहित कल 6 विधानसभा में चुनाव है, क्या कुछ पूरे सुरक्षा के इंतजाम है? जैसे कि इस बार हम लोग बूथ का सेंसिटिविटी के आधार पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। हमारा यहाँ पे जहाँ भी हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर इश्यू पैदा हो सकता है या हमारा नक्सल एरिया है या कहीं पर भी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा पैसा या मसल पावर के आधार पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस जगह पर हम लोग इस बार CPMF का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा सुचारू रूप से इलेक्शन करवाने को लेकर और अगर कहीं पर कुछ दिक्कत होता है तो तुरंत फोर्स पहुंचाने को लेकर टोटल 28 QRT हम लोग बनाया हुआ है। QRT के ऊपर हम लोग 19 जोनल फोर्स भी बनाया हुआ है, उसके ऊपर 8 सुपर जोनल भी बनाया हुआ है। हमारा यही कोशिश होगा इस बार कहीं पर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा 5-10 मिनट के भीतर हर बूथ में 30-40 की संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचाएंगे। इसके अलावा मणिपावर को रोकने के लिए हमारा टोटल 63 FST SST जो चालू है और जो हमारा 11 चेक पोस्ट है उसमें भी हम लोग CPMF फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। उन लोगों के द्वारा अच्छा तरीके से अभी गाड़ी का जांच और बाकी जांच कर रहे हैं। CRPF और SSP जवानों की बात करें उनकी भी तैनाती भारी संख्या में, जैसे मैंने बोला है कि हमारा टोटल 746 बूथ जो क्रिटिकल है, इसके अलावा 51 बूथ नक्सल है और 37 बूथ जिसको हम लोग वल्नरेबल आइडेंटिफाई किया है, हर जगह हमारा CPMF का फोर्स। CPMF में हमारा CRPF का पार्टी है, BSF का पार्टी है, SSB है, ITBP है और RPF भी है। अच्छा सर, कल मतदाता जो है बहुत लोग छुट्टी मना लेते, तो जितने भी TV 45 के माध्यम से दर्शक देख रहे, क्या एक मैसेज फिलहाल? तो हम आपको मैसेज यही देना चाहेगा कि देखो, सरकार को चुनने का पावर डेमोक्रेसी पब्लिक के हाथ में दिया है, इस पावर को आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर एक चेंज आप चाहता है तो आपका वोटी से चेंज होगा, तो आप एकदम आप बाहर आइए, आप डेवलपमेंट के लिए आप वोट कीजिए, आप अपने हिसाब से अपना सरकार आप बनाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ ये SSP HP जनार्दन मौजूद थे, राहुल हमारे सहयोगी भी बने हैं। राहुल, देखिए जिस तरह से SSP HP जनार्दन ने जानकारी दी, अभी मेरी DC माधवी मिश्रा से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक चैलेंजिंग जो होता है वो प्रशासन के लिए हो जाता है, सवाल तमाम खड़े किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई लोग छुट्टियां भी मना लेते हैं मतदान के दिन सोचने की क्या मतदान, लेकिन अगर एक चेंज लाना है तो मतदान करना बड़ा जरूरी सा। बिल्कुल, कल मैं DC और SSP साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने भी साफ कहा था, इसी बात का जिक्र किया था कि हम 1 महीने से लगातार जो है इस दिन के लिए प्रयासरत है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब मतदाता अपने फर्ज को समझेंगे, मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी निर्वाचन पदाधिकारी हो जो कार्य कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो तभी सफल होगा जब मतदाता मतदान केंद्र तक जाएंगे और अपना मत का दान करेंगे। जी सर, सहयोगी अंकिता भी लगातार बनी हुई, अंकिता देखिए वही एक
सवाल आपसे भी रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, सबसे अहम मुद्दा यही आ जाता है। अभी जिस तरह से एसएसपी जनार्दन ने भी यही बात कही कि बड़ा जरूरी हो जाता है मतदान करना, क्योंकि अगर आपको लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना है, एक बदलाव लाना है, 5 साल हम यही इंतजार करते कि कौन हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है, तो कुछ लोग छुट्टी मना लेते कि सरकारी छुट्टी, घर पर रह जाते। हमने पहले जब चरण के चुनाव थे उसमें देखा कि शहरी क्षेत्र में कम वोट पड़े ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले, तो क्या कुछ एक मैसेज, क्या कुछ एक कहा जाए कि लोग निकले और मतदान करें? देखिए बिल्कुल, एसएसपी एचपी जनार्दन ने जिस तरीके से कहा है और हमने डीसी माधवी मिश्रा को भी सुना है, तो साफ तौर पे उनका जो कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, ये कहां से शुरू होता है। और जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं ना, तो वो उत्सुकता ज्यादा नजर आती है, क्योंकि वो देखते हैं कि 5 सालों में हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और कितने विकास की जरूरत है। और जब उन्हें उस विकास का जब वो रफ्तार है जो दिखता है कि नहीं पकड़ पा रहा है, तो उस रफ्तार को पकड़ने के लिए 5 साल के बाद फिर उनके हाथ में मौका आता है। तो देखिए, जनता ना बहुत स्मार्ट है, जनता पहले जैसा नहीं रह गया कि आप जो भी दावे और वादे करके आ जाइए उनके बीच से जनता बेवकूफ बन गई। जनता बहुत ज्यादा समझदार हो गई है, जनता अपनी समझदारी से अब बिल्कुल सूझबूझ से वो जानती है कि हमें क्या चाहिए और क्या कुछ जरूरत है, तो उसी सूझबूझ के साथ जनता जाती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में, हमने बिल्कुल आपने सही कहा साक्षी, राजधानी जैसे शहर में हालांकि मतदान प्रतिशत 5 बजे तक जो आए वो ज्यादा हो गए, 57-58 के लगभग प्रतिशत हमारे पास सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुकाबले में देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों इस बात थोड़े प्रतिशत कम जरूर आए। और हमने चुनाव आयोग की पीसी भी देखी थी, के रवि कुमार उन्होंने कहा भी कि हमारी नजर जो है इस बार शहरी क्षेत्रों में ज्यादा रही ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत कम हुए हैं, छुट्टियां दी गई, अवकाश दिए गए हैं, सब कुछ बंद है। तो हमारी भी अपील है और तमाम जो प्रशासन की ओर से चुनाव आयोग की, उन लोगों ने भी, सभी लोगों ने अपील किया है कि आपकी जो छुट्टी है वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आप अपने घरों से निकलिए, एंजॉयमेंट फिर आ जाएगा, फिर आप दूसरे दिन चले जाइएगा, फिर वो 5 साल के बाद वो मौका आने जी, वाला। बहुत शुक्रिया साक्षी और अंकिता, बहुत शुक्रिया, राहुल भी हमारे साथ थे, सब जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सभी का। वहां पर जो एसएसपी से भी साक्षी ने बात की, तो देखिए ये प्रशासनिक तैयारियां थी और ये तैयारियां चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के, मतदान आपका लोकतांत्रिक अधिकार है तो आप मतदान जरूर